हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड तुम सभी को यार चैट जीपीटी के बारे में बताया, ठीक है। एंड तुम सभी को पता भाई अभी कितनी ज़्यादा ट्रेंडिंग चीज़ है, तो मैंने कहा चलो भाई एक काम करते हैं, एआई टेक्नोलॉजी है ना, तो उसका यूज़ करते हैं भाई, देखते ही कितने हद तक मेरे दिमाग को समझ पाता क्या इसमें इतना दम है। लेट्स सी भाई, ये चेकआउट करते हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ भाई, क्योंकि देखो ये एआई है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये ऑप्शंस के मामले में कन्फ्यूज़ हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, क्योंकि अगर मैं चार ऑप्शन दूंगा, ठीक है, जिसमें से तीन मैं गलत दूंगा और चौथे में मैं नन ऑफ दीज करूंगा या ऑल ऑफ द अबव करूंगा, तो क्या चैट जीपीटी सही में ये ऑप्शन को चेक कर सकता है? क्या एआई इतना एडवांस है इसका? आई नो मेरा स्टूपिड डाउट है, बट हाँ, मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं भाई आज के इस पोके को, इसको पता से बात करके। हाय ब्रदर, कैसा है तू? एक चीज बताओ। हेलो, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे? हाँ श्योर, आई कैन हेल्प यू विद अ पोकेमॉन क्विज। व्हाट काइंड ऑफ पोकेमॉन क्विज वुड यू लाइक? फॉर एग्जांपल, क्वेश्चंस अबाउट द गेम्स, द टीवी शोज। लेट्स सी भाई। श्योर, आई विल डू माय बेस्ट टू आंसर माय ओके, एनी क्वेश्चंस यू हैव पोकेमॉन फ्रेंचाइज, व्हाट वुड लाइक टू हैव? हियर्स द ट्विस्ट भाई, इसको चल टेस्ट करते हैं, क्या ये ऑप्शंस के साथ खेल सकता है? एंड यू हैव टू चूज। Okay, I'm ready for the twist. What would you like to ask? Okay, all right. I'm up for the challenge. Go ahead and give me four options. ठीक है. So, the question is, let's see guys, क्या ChatGPT इतना advanced है? A. ओके, प्लीज गिव मी फोर ऑप्शन सो आई कैन चूज वन। लेट्स सी भाई ये काम करेगा कि नहीं। ठीक है, तो अपना लास्ट, तो यार मैंने इसको ऑप्शंस दे दिए हैं, ए टैपिक ब्लेजिक एंड कंबस्किन, बी सॉबल ड्रिजल इंटालियन, सी सिजोर साइथर पीकाचू एंड डी नन ऑफ दीज। लेट्स सी भाई क्या होता है, कौन सा बताता है ये बंदा। सारी गलत दी है वैसे तो मैंने, बेस्ड ऑन द ऑप्शंस यू प्रोवाइडेड इट सीम्स लाइक नन ऑफ देम डिपिक्ट अ करेक्ट इवोल्यूशन। डूड, नन ऑफ दीज काम करता है क्या एआई के लिए? हियर द करेक्ट इवोल्यूशन फॉर द फॉलोइंग, टैपिक प्रिग्नाइट एंड फिर एम्बुर, सोबल ड्रिजल में फिर इंटालियन पे, ठीक है। अबे हलवे, मैंने तुझे देख सोबल ड्रिजल और इंटालियन, ओके भाई एक एरर है, अगर मैं स्पेलिंग का पंगा करूंगा ना तो शायद से ये बंदा फिर कंफ्यूज हो जाएगा। ओके ओके, तो शायद से भाई ये चैट जीपीटी का एक एरर हो सकता है। इसका क्या जवाब देता है भाई चैट जीपीटी? विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर ऑफ ऑल? म्यूटू, लेट्स सी, क्योंकि म्यूटू भी एक ट्रेनर खुद को कंसीडर करता है। देखते भाई इसका क्या जवाब देता है ये चैट जीपीटी। लेट्स सी भाई इसका क्या जवाब देता है चैट जीपीटी। ओके, All of the options you listed are powerful and notable trainers, but if I had to choose one, the strongest, I would probably choose option C, Red. Okay, तो भाई ChatGPT के according Red सबसे ज़्यादा strongest trainer है इन चारों में से। Let's see भाई इसका reason क्या है। Red is the protagonist of the original Pokemon games और उसको कहीं consider किया जाता है strongest trainer in the games canon। और उसको बोला जाता है उसके पास काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल टीम है और पोकेमॉन की, एंड वो काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेडेबल अपोनेंट है भाई अपने बैटल्स के लिए। एडिशनली उसका पोस्ट गेम कंटेंट पोकेमॉन गोल्ड एंड सिल्वर एंड क्रिस्टल का के माउंट सिल्वर वगैरह सबको कंसीडर करके बोल रहा है। वैसे देखा जाए तो भाई अच्छा लगा मुझे ये चीज़, मुझे लगा था भाई नॉर्मली क्या करेगा ये बंदा, गूगल पे जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट इसका प्रोग्राम ट्रेनर सर्च करेगा एंड मुझे फेंक के मार देगा, बट एक्चुअली मुझे इसका ओपिनियन जानने में अच्छा लगा, चूंकि भाई इसकी खासियत लग रहा है। लाइक तुम देख सकते हो ये सीधा सीधा बोल सकता है एश केचम स्ट्रॉन्ग लगता है, नहीं इसने पूरा रीजन दिया, पूरा रिसर्च किया भाई, चूंकि मुझे पसंद आया यार। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी भाई इसका क्या आंसर देता है चैट। क्योंकि दिक्कत ये है ना, पता है इस वाले क्वेश्चन में सारे ही ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा ऐसे हैं जो कि तुम लोग कह सकते हो कि यही रीज़न होगा। लेट्स सी इस कंडीशन में भाई क्या आंसर होता है, क्योंकि पोके क्विज मैं बना रहा हूँ तो भाई फालतू क्वेश्चन तो होना जायज़ सी बात है। लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड पोकेबॉल, द ऑप्शंस आर ए एम्प्टी, बी पोकेमॉन डेटा, सी होल पोकेमॉन, डी पोकेमॉन फेवरेबल कंडीशन। तो इसके अकॉर्डिंग भाई पोकेमॉन डेटा होता है, तो पोकेबॉल इज अ डिवाइस यूज बाय पोकेमॉन ट्रेनर टू कैप्चर एंड स्टोर पोकेमॉन। सो मैंने पोकेमॉन इज इनसाइड अ पोकेबॉल, इट्स नॉट फिजिकली प्रेजेंट इनसाइड द बॉल बट रादर डेटा इज स्टोर्ड देयर।
अगर ऐसा होता तो एक मिनट फिर इससे चलो लड़ते हैं भाई. नो यू आर रॉन्ग. इन वन एपिसोड. ओके आई अपोलोजाइज इफ आई प्रीवियस रिस्पॉन्स वॉज नॉट क्लियर इज एक्यूरेट. कैन यू प्लीज क्लैरिफाई यूर क्वेश्चन और प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन. क्योंकि यार तुम सभी को पता होगा एक एपिसोड के अंदर हमें ड्रैगनाइट को पोकेबॉल के अंदर दिखाया गया है, तो वही पोकेबॉल डेटा तो नहीं हो सकता. A dragonite was shown inside a pokeball. Let's see, भाई इसका क्या आंसर देता है भाई ChatGPT. तू मेरे से लड़ सकता है. थैंक यू फॉर द एडिशनल इन्फॉर्मेशन. यू आर करेक्ट दैट देर इज अ लीस्ट वन एपिसोड फॉर द पोकेमॉन एनिमे इन विच ड्रैगनाइट इज शोन इनसाइड अ पोकेबॉल इन द एपिसोड मिस्ट्री ऑफ द लाइट हाउस फ्रॉम द ओरिजिनल सीरीज. Pokeball, after helping to save the day, there is a rare occurrence in the anime. The most Pokemons are usually shown outside of the Pokeball. However, it's worth noting that this is exception rather than the normal. In the vast majority of cases in the Pokemon franchise, when a Pokemon is inside a Pokeball, it is a form of data. ठीक है, तो मतलब ये अभी भी इस चीज पे तर्क दे रहा है कि वो जो दिखाया गया ना वो एक exception है. ठीक है, केमिस्ट्री चल रही है भाई, हद है. ठीक है, तो यार इसके अकॉर्डिंग मतलब पोकेमॉन पोकेमॉन डेटा के फॉर्म में ही होता है पोकेबॉल में, एंड वो बस एक एक्सेप्शन था. चलो भाई इससे लड़ते हैं. नो यू डोंट वांट टू एडमिट यू आर रॉन्ग. लेट्स सी भाई क्या ये बंदा लड़ सकता है. Apologize if my previous response was not satisfactory. In the specific episode you are referring to, no, I am talking about Iris Dragonite. रुक जा भाई, एक तो गलत बता रहा है. कम से कम मेरे को भाई बोलने तो दे. सीख जा ChatGPT, होगा तू AI, इंसान इंसान होता है. I see you are referring to different Dragonite than the one I mentioned. ठीक है, in the Pokemon anime series, there is a character named Iris who has a Dragonite that is often seen outside of its Pokeball. However, in one episode called Commanding the, yeah, भाई, उस episode के अंदर हमें देखने मिला था Dragonite को अपने Pokeball में. So in this specific case, Iris Dragonite was indeed shown physically inside a Pokeball. Yes, so you admit na, तू गलत है. मान ले बेटा मैं हार नहीं मानूंगा. यस आई अपोलोजाइज फॉर माई अर्लियर मिस्टेक. यू आर करेक्ट दैट आयरिस ड्रैगनाइट वाज शोन इन द फिजिकल इनसाइड द पोकेबॉल. बट AI होता है. ठीक है, तुम ऐसे कैसे जीत सकते हो? तर्कों में मेरे से जीतना इम्पॉसिबल है. ठीक है, चुप रहो. तो खैर आज के वीडियो बस इतना ही भाई. स्टूपिड पोकेमॉन क्विज एंड हम लोगों ने AI को हरा दिया है. खैर लेट मी नो द कमेंट बॉक्स अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं और भी कुछ कांड कराऊं, क्योंकि मैंने ट्राई किया है एंड ये काफी अच्छे तरीके से काम करता है. ठीक है, तो या आज के वीडियो के लिए बस इतना ही. तब तक के लिए अपना ध्यान रखना है. ऐसे कुछ पोकेमॉन रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो. सी यू नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन पीस आउट.